हजरत महादेव आप सभी साथियों को सावन के पांचवें सोमवार रक्षाबंधन और सावनी पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे सावन के आखिरी सोमवार पर बनने वाले शुभ मुहूर्त के साथ इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। भगवान भोलेनाथ का प्रिय माह सावन अब अपने समापन की ओर है। सबसे अच्छी बात यह है कि श्रावण मास का समापन सोमवार के दिन हो रहा है, जो व्रत की दृष्टि से बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये इस साल का अंतिम श्रावण सोमवार व्रत होगा। अंतिम श्रावण सोमवार के दिन पांच शुभ संयोग बन रहे हैं। वैसे तो आप पूरे साल कभी भी शिव जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन श्रावण सोमवार आपको बार बार नहीं मिलेगा। अंतिम श्रावण सोमवार पर आप व्रत और शिव पूजा करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर लें, वरना इस मौके को चूक गए तो फिर आपको एक साल तक इंतज़ार करना होगा। साथ ही कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि सावन का आखिरी सोमवार रक्षाबंधन के पर्व पर पड़ रहा है तो क्या इस दिन व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बारे में जानेंगे दूसराचार्य जी से कि इस दिन व्रत करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों आवश्यक है इस दिन व्रत करना। साथ में जानेंगे इस दिन कौन कौन से पांच शुभ संयोग बन रहे हैं और जलाभिषेक का शुभ समय क्या है और भगवान शिव जी की पूजा करने का इस दिन शुभ समय क्या रहेगा। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी तिथि। इस साल का अंतिम सावन सोमवार व्रत 19 अगस्त को है। अंतिम सावन सोमवार के दिन श्रावण मास के शुक्ल पद की पूर्णिमा तिथि है। वैदिक पंचांग के अनुसार 19 अगस्त को ही श्रावण तिथि 3:04 से शुरू होगी और रात के 11:55 तक रहेगी। और अब जानते हैं अंतिम सावन सोमवार के दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। अंतिम सावन सोमवार के दिन पांच शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। अंतिम सावन सोमवार पर शोभन योग बन रहा है, जो सूर्योदय से लेकर देर रात 12:47 तक रहेगा। वहीं रवि योग सुबह में 5:53 से लेकर सुबह के 8:10 तक रहेगा। रवि योग में सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। और अंतिम सावन सोमवार पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो सुबह 5:53 से शुरू होगा और 8:10 तक रहेगा। इस योग में आप जो भी कार्य करेंगे वो सफल सिद्ध हो सकता है। ये तीनों ही योग शुभ कार्यों के लिए अच्छे माने जाते हैं। साथ ही अंतिम सावन सोमवार व्रत पर इन तीन शुभ संयोगों के अलावा सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन भी है। सावन पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं सावन पूर्णिमा के दिन भद्रा रहित मुहूर्त में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाती हैं। और अब जानते हैं सावन के अंतिम सोमवार पर शिव जी की पूजा करने का शुभ समय। 19 अगस्त को अंतिम सावन सोमवार पर शिव पूजा के लिए सबसे उत्तम समय योग के आधार पर सुबह 5:53 से लेकर 8:10 के बीच है। वैसे पूरे दिन बना शोभन योग भी शिव पूजा पाठ के लिए अच्छा है। कोशिश करें कि सुबह के पहले मुहूर्त में भोलेनाथ की पूजा करें। और अब जानते हैं अंतिम सावन सोमवार पर जलाभिषेक का शुभ समय। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करते हैं। अंतिम सावन सोमवार को आप सुबह के 5:53 से शिव जी का जलाभिषेक कर सकते हैं। उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार दोपहर में मनाया जाएगा, इसीलिए आप जलाभिषेक और शिव पूजा का कार्यक्रम सुबह में कर सकते हैं। तो ये थे सावन के तीसरे सोमवार के दिन के शुभ मुहूर्त। और अब ये जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन सावन के अंतिम सोमवार का व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन ही सावन मास की समाप्ति हो जाएगी। ऐसे में जो लोग सावन सोमवारी व्रत या 16 सोमवार का व्रत रख रहे हैं, उन्हें रक्षाबंधन के दिन भी सोमवार का व्रत रखना होगा। अगर आप रक्षाबंधन के दिन पढ़ने वाले
सोमवार का व्रत नहीं करते हैं तो सावन के सोमवार का व्रत रखने का संकल्प जो आपने लिया था वो अधूरा रह जाएगा। इसके अलावा सावन मास के आखिरी दिन व्रत रखने के बाद व्रत का उद्यापन जरूर करें, तभी आपको व्रत का संपूर्ण फल मिल पाएगा। तो दोस्तों, जो भी लोग सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं या सावन के 16 सोमवार का व्रत रख रहे हैं, किसी भी प्रकार के जो सावन में सोमवार का व्रत रख रहे हैं, उनको सावन के अंतिम सोमवार के दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। अन्यथा आपको इतने दिन के व्रत उपवास का कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए संपूर्ण फल पाने के लिए आखिरी सोमवार का व्रत अवश्य करें। और अब जानते हैं राखी और सावन सोमवार की पूजा किस तरह करें। इस साल राखी पर सावन सोमवार का व्रत भी रखा जा रहा है। ऐसे में सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करें। इस दौरान शिवलिंग का गंगा जल और दूध से अभिषेक करें, फिर बेलपत्र धतूरा और गंगा जल चढ़ाएं। अब मिठाई और फल को चढ़ाकर महादेव की आरती करें। इस दौरान राखी का शुभ मुहूर्त दोपहर में 1:32 से लेकर के रात के 9:07 तक रहेगा। ऐसे में मुहूर्त के अनुसार भाई को राखी बांधें। भाई की कलाई पर राखी हमेशा सही विधि से बांधनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले एक थाली में रोली चावल मिठाई और राखी रख लें, फिर भाई को तिलक लगाएं। इसके बाद भाई के दाहिने हाथ में राखी बांधें और मिठाई खिलाएं, फिर शाम को भगवान शिव की पूजा करें। ऐसा करने पर जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही सावन सोमवार के दिन जब आप शिव जी की पूजा करें या रक्षा बन पर पूजा करें तो उस समय आप ये मंत्र अवश्य बोलें। रक्षा बंधन का मंत्र येन वर्धो बलि राजा दान वेन्दु महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्ध नाम रचे माचल माचल। और शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का भगवान शिव की पूजा करते समय जाप करें। मंत्र है ओम हों वूं सा ओं भुवा स्वा ओं रेम्बकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मि गन्नाम मृत्यु मूर्छे मा तात ओं भुवा स्वा ओं सा जूं हों ओं। तो इस दिन आप इस तरह से राखी और भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आप सभी को लाभ मिलेगा। और हमें अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। दोस्तों, आप तो अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस से गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत आती है। सांस फूलती है तो उसकी वजह से आवाज़ ठीक नहीं आती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप सभी साथी हमारी समस्या को समझकर हमारा साथ जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण राधे राधे हर हर महादेव। शुभ रक्षाबंधन।